क्या किया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल उस दहेज के मुताबिक है कि कुछ लोग ना ऐसे कर रहे होते हैं कि नाम पे दहेज का देते नहीं है, बट ये करते हैं कि जब लड़की बड़ी होती है ना 12 साल 13 साल की, तब से ही मतलब सामान जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं लड़की को देने के लिए, और रिश्ता भी ऐसा ढूंढते हैं जो दहेज की मांग ना करे। जब वो दिख रहा होता कि जिस क्या बोलते हैं मेहनत से और जिस तरीके से अपना पेट काट के जोड़ के मतलब दे रहे होते हैं, उससे जाहिर होता है कि वो मजबूरी में दे रहे हैं, तो ये मतलब क्या है गिफ्ट के उसमें आएगा कि दहेज इसको बोलेंगे? जी ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं खुलासा समझ गया हूँ, हालांकि आवाज कट रही थी इनकी। तो दहेज से मुतालिक इन्होंने सवाल किया कि बहुत सारे वालिदैन हैं जो बच्ची जैसे थोड़ी सी उम्र होती है वो जमा करना शुरू कर देते हैं उसके लिए दहेज, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले को देना ही होगा। शुरू में तो ढूंढते हैं कि कोई बगैर दहेज वाला मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है तो आखिर में देते हैं, और जाहिर ये करते हैं दोनों तरफ से लोग कि रजामंदी से दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। लेने वाले भी ये ढंडोरा पीटते हैं कि जो है हमको तो हमने मांगा नहीं था, ऐसे ही मिला है, और देने वाला भी बेचारा वो जाहिर यही करता है कि मैंने अपनी खुशी से दिया है। देखिए जहेज के मुतालिक हम बाकायदा किसी स्ट्रीम में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, अगर आप तलाश करके उससे उसको सुने तो वो सारी बातें हमें यहाँ रिपीट नहीं करनी होंगी। खुलासतन अर्ज ये है कि जहेज जो लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को, अगर लड़की वालों की मर्जी शामिल नहीं है, अपनी खुशी और रजा और रगबत से नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए लेना ये जायज नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम खुशी से दे रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि आप एक बार ना दे करके देख लीजिए, एक बार ना दे करके आप देख लीजिए सामने वाले का क्या रिएक्शन होता है। तो जो देता है और चेहरे पर मुस्कान ला करके कि मैं खुशी से दे रहा हूं, असल में वो अंदर से टूट फूट का शिकार होता है। उसको पता है अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी बच्ची के साथ ये होगा, मुआशरे में मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बच्ची की इज्दवाजी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, इन सारी चीजों के नीचे वो दबा होता है। तो देना भी उसकी मजबूरी है, मुस्कुराना भी उसकी मजबूरी है, ये बताना भी उसकी मजबूरी है कि मैंने खुशी से दिया है। क्योंकि अगर वो कहेगा कि भाई मैं राजी नहीं था, तो उस वक्त भी उसकी खैर नहीं होगी। तो रजामंदी इसको कहते हैं जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, ना तो लड़के वालों का दबाव हो, ना तो रस्म व रिवाज का दबाव हो, ना मुआशरे का दबाव हो, ना तो अपनी नाक को ऊंची रखने का दबाव हो। अगर इन तमाम चीजों के बाद भी आप देते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ आप खुशी से दे रहे हैं। ऐसा देखिए, मैं भी इसी समाज का एक हिस्सा हूं, मैं भी देखता हूं जानता हूं, ऐसा होता नहीं है। जो देता है उसको अपने समाज में अपना स्टेटस बनाना है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये एक क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना सामूहिक झूठ, ये इज्तिमाई झूठ है जो सारे लोग बोलते हैं, ये हिपोक्रेसी है, मुनाफ़िकत जिसको कहते हैं, कि पूरा समाज जो है हिपोक्रेट हो गया है। और वो कहते हैं मैं खुशी से दे रहा हूं, भाई खुशी से नहीं दे रहे हैं लोग, ये सब जानते हैं। जी बिल्कुल, और मैं ये बोल रहा था कि मतलब खुशी के तौर पे अगर कोई उस वक्त कोई गिफ्ट दे, चाहे भाई हो या हस्बैंड हो, क्या बोलते हैं पापा हो मम्मी हो कोई भी हो, तो उस वक्त मतलब वो भी किस जुमरे में आएगा? ये देखिए अली भाई, देखिए अली भाई, सीधे तौर पर ये समझिए कि हमारी शरीयत में गिफ्ट देना ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो गिफ्ट आदमी मजबूरी में नहीं देता है, गिफ्ट आदमी खुशी से देता है, अपनी रजामंदी से देता है। अगर वो चीजें जो रजामंदी के साथ दी जा रही है, देखिए शादी में वो खुशी का मौका होता है, जाहिर है खुशी के मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, तो अगर उस वहां तक बात है तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये मतलूब है और इस पर आपको अज्र मिलेगा, तो उसमें कोई मजायका नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो देना चाहिए। लेकिन वो चीज जो इस वक्त राइज है, ये आप मान के चलिए वो गिफ्ट नहीं है, वो मजबूरी है। और एक चीज और मैंने इससे पहले भी के जवाब में भी जिक्र किया था कि जब मुआशरे के अंदर एक बीमारी फैली हुई है, एक नासूर फैला हुआ है, ताउन फैला हुआ है, उस ताउन को हमें खत्म करना है तो हमें लॉकडाउन करना होगा जी, यानी जो जायज काम है उसके लिए भी बाहर ना निकलो, कुछ दिनों तक बंद रहो घर में, जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब निकलना।
तो जब इस बीमारी को खत्म करना है तो इसको मुकम्मल तौर से आप बंद कर दीजिए 10-5 साल के लिए। जब बीमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद गिफ्ट दीजिएगा। और ये चीज हमारी शरीयत में मौजूद भी है, सद्दुद दराए जिसको कहा जाता है, कि मतलब किसी बड़े फितने को खत्म करने के लिए जो जायज चीजें हैं उनसे भी रोक दिया जाए ताकि वो फितना खत्म हो जाए। लड़की का जो हक है वो है विरासत, उसको मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए नहीं, अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो कयामत में हिसाब देने के लिए तैयार रहना। ये जुल्म है, ज्यादती है जो लड़कियों के साथ किया जाता है। तो जहां पर जो चीज जायज है या जो चीज वाजिब है उसको तो आप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इजाफी चीज है, विरासत का मसला, जबकि वो वाजिब है, उसका हक है। और जो चीज हराम है उसको आप कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या कोई हराम चीज किसी हलाल चीज की जगह ले सकती है? भाई एक पाक साफ सुथरे पानी की जगह क्या कोई शराब की बोतल ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो आप ये मत कहो कि जो है वो मुझे साफ पानी नहीं पिला रहा है इसलिए मैं शराब पीऊंगा। जी 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 बिल्कुल। किसी के गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए आप गलत काम नहीं कर सकते। जी। और दूसरी बात आप ये बताइए कि ये जो जहेज दिया जाता है ये किसको मिलता है? जी। वो ससुराल, लड़की के ससुराल वाले सारे उसको हड़प कर जाते हैं, जबकि जो विरासत है वो लड़की का है। भाई गाड़ी मिलती है, बाइक लेते हो आप, फोर व्हीलर लेते हो, क्या लड़की बाइक से घूमती है, बाइक चलाती है? अरे मैं ये बात कई बार कहता हूं कि जो बड़ी बेगैरती हमारे समाज में होती है, बड़ी बेगैरती इज्तिमाई तौर से सारे लोग करते हैं, यहां तक कि जो अपने आप को अशराफिया में शुमार करते हैं, खानदानी और पता नहीं कौन कौन सा नाम देते हैं, ये बेगैरती वो भी करते हैं। ये बेगैरती है कि आप किसी से मांगो और मांग करके आप अपनी बाइक का शौक पूरा करो। अरे भाई आप खुद कमा करके खरीदो ना, आपको शर्म नहीं आती है जो है मांग करके दूसरे से बाइक और फिर जो है आप उसमें घूमते हो? और वो गरीब आदमी जिसने जायदाद और प्रॉपर्टी बेच करके दिया हुआ है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है, और आप उसका गला दबा करके लेते हो, कितनी बड़ी बेगैरती है। तो ऐसे लोगों को ये असल में ये भिखारी होते हैं, बस तरीका अलग है मांगने का। जी